बिसम द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज अगेन फ्राम न्यूरोटोलॉजी एंड वी आर गोइंग टू कवर द काज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इ न्यू बॉर्न इन्फेंट रेस्परेटरी डिस्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि अगर रेस्परेटरी रेट इज़ लेस रेस्पेटरी रेट इज़ मोर देन सिक्सटी पर मिनट नॉर्मल एक बच्चा जो पैदा होता है उसका सिक्सटी इज़ नॉर्मल बट मोर दैन सिक्सटी इट्स अब नॉर्मल एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें थर्टी वन वीक्स ऑफ गेस्टेशन में बच्चा पैदा हुआ है मतलब प्री टर्म बच्चा है विद फॉलोइंग अ प्लेसेंटल ही प्रजेंट्स विथ टेक्टिपनियाँ एंड ग्रंटिंग रेस्परेशन इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हैं ए भी चीज करवाएँ तो पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड वो हाई है और ऑक्सीजन कम है दट इज बेसिकली टाइप टू रेस्पिशन रेस्पिटी एसिडोस जस्ट रेडियोग्राफर देखें उसने क्या ग्राउंड क्लास अपीयरेंस है ग्राउंड क्लास अपेयरेंस दट इज करैक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटिव डिस्ट्रेस इन रोम दट इज बिकॉज ऑफ डेफिशंस ऑफ परफेक्टन हम आगे कॉजे में कवर करते हैं सो दैट इज अफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन रोम वट आर द कॉजे कॉज कैन बी ऑफ लंग डिसऑर्डर्स लाइक मिकोनीय एस्परेशन मिल्क एस्परेशन या फिर ट्रांसजेंड टेकिपनिया ऑफ द न्यू बॉन हम आगे कवर करेंगे टॉपिक वो भी टेकिपनिया की एक कॉज uh, है जो कि अगर सी सेक्शन से जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली होता है लंग इमेच्योर है या डायफ्रेगमेटिक हंडियाँ सेब्रल एनाजिया मेटाबॉलिकोसेज ऑल आर दीज काज दैट काजेज दैट आर द काजेज ऑफ बेसिकली रेस्पिटरी डिस्ट्रेस मोस्ट कॉमन इज परफेक्ट दैट अकर्स इन प्रीटम इन्फेंट्स प्रीटम न्यू और सरफेटेंट लेसिथिन लेन टू फिंगलिन जो, जो रेशो होती है टू इस टू वन होनी चाहिए अगर वो कम हो वन पॉइंट फाइव से कम हो तो लंग्स को कर जाते हैं सरफेक्टेंट नहीं रहती और सरफेक्टेंट इज बेसिकली प्रोड्यूस फ्राम टाइप टू सेल्स एल्वियोलर सेल्स ऑफ द लंग्स तो वो सरफेक्टन प्रोड्यूस करते हैं सरफेक्टेंट क्या है एक फॉस्फेटिडाइल को है लेसिथिन है ना बेसिकली तो जब वो प्रोड्यूस नहीं होती तो लंग्स में जो एक इन्फ्लेटेड रहने की कैपेसिटी है जो टेंडेंसी है वो भी नहीं होगी इट वुड लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इसके क्लिनिकल डायग्नोसिस के एंड टेक नहीं है मोर देन सिक्सटी पेयज पर मिनट जस्ट रिट्रैक्शन साइनस और सैनिसज दैट प्रोसिस्ट ओवर फर्स्ट फोर्टी एट टू नाइन्टी सिक्स आवर्स चेस्ट एक्सरे में जो मैंने बात कही थी कि ग्रैनुलर पैटर्न आपको एन एयर ब्रोंकोग्राम दिखेगा रिस्क फैक्टर्स में मोस्ट लाइकली जो आर डी एस होते हैं प्री मेच्योर इन्फेंट्स में मेल सेक्स कोरियम कोरोमस अगर प्रीटम प्री मेच्योर रपच्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुकी हुई है और लिट लिट टू कोरियम कोरियमनाइटस इन्फेंट बॉन टू डायबेटिक मदर कोल्ड स्ट्रेस पेरिनटल ऑल दिस फाइंडिंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज द सेम जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स इंटरकोस्टल सब पोस्टल सब स्टर्नल रिसेक्शन आपको मिलेंगी और एक्सपायरेटरी ग्रेंडिंग नेचरल फ्लेयरिंग ऑल दैट दैट मेक्स अस फील के बच्चा जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है डिफरेंशियल डायग्नोसिस न्यू बॉर्न कंजेंटल निमोनिया एस्पेरेशन निमोनिया मिकोनिम एस्पेरेशन निमोथोरिस डेफ्रेगमेटिकोटिकार डिजीज व्हाट हाउ विल इन्वेस्टिगेट जस्ट एक्सरे उसमें आपको रेटिक्लोग ग्रेनुलर पैटर्न मिल जाएगा सेप्टिक स्क्रीन ब्लड का कल्चर्स ऑफ द ब्लड इंड यूरिन सी एस एफ फॉर टू इवन रूल आउट किन यूनिटल सेप्स तो उनमें नहीं जा रहा बच्चा ए बी जीज पल्स ऑक्सीमेटरियन हाइपोक्सिक टेस्ट के पलमरी कॉज है या फिर सेंट्रल कॉज है कार्डियकॉज है ब्लड शुगर एंड कैल्शियम लेवल्स टू तो नो के हाइपोकलाइसीमिया है, हाइपो क्लिसमिया में तो नहीं है हाउ वुड यू ट्रीट मैनेजमेंट इसकी जर्नल है एक तो जर्नल है कि थर्मल टेम्परेचर न्यूट्रल रखें इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड रखें प्रॉपर बच्चे को फीड दें और मेटाबॉलिक स्ट्रेस ना होने दें उसके इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट कराएँ इसके स्पेसिफिक मैनेजमेंट ये है कि बच्चे को ऑक्सीजन दें या आप कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर मेंटेन करें ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल कैनला यहाँ पर इंटरमीडियन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्योंकि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो सर्फेक्टेंट ही देंगे आप वाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अगर डिस्ट्रेस में बच्चा सांस लेने है तो डॉक्टर सर्टिविटी कुड रिमेन पेटेंट निमोनिया ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया या फिर नीमोथोरस हो सकता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन हाउ कैन यू प्रिवेंट इट अगर तो पता है कि बच्चा प्रीटर्म डिलीवर होना है या फिर सी सेक्शन से डिलीवर होना है तो पहले ही और बच्चा प्री टर्म है माँ जो है टर्म से पहले आ गई प्रेजेंट करती है विद लेबर पेन्स या इस तरह की कोई सिचुएशन है तो पहले डक्सा कवर दे दें बिठे में थसोन दे दें या डक्सा में थसोन का कवर दे दें फोर्टी एट आवर्स बिफोर डिलीवरी या बिटवीन ट्वेंटी फोर टू थर्टी फो थर्टी फोर वीक्स ऑफ गेस्टेशन जिसमें इट डिक्रीजिज द इंसिडेंस ऑफ रेस्पिटरी डिस्ट्रेस इन रोम प्रोग्नोसिस पहले लगा दें तो प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली बेहतर होगा सर्फेक्टेंट का एडमिनिस्ट्रेशन इट रिड्यूसिस द मोटेलिटी अप्रोसीमेटली लाइक फोर्टी परसेंट और क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैव नॉट बीन इंसिडेंस हैव नॉट बीन अफेक्टेड इवन थर्स इफेक्ट लगा देना ही लगा दें क्रॉनिक लंग डिजीज़ का कोई वो नहीं है इलाज नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है इंट्रावेंटिकुलर हैमरेज फॉर द एमसीक्यूज जब भी आपको बल्जिंग फॉन्टेल के साथ एक बच्चा प्रेजेंट करता है लेथार्डियोर से सिजर्स आ रहे हैं और कोई और कॉज नहीं इट्स मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ इंट्रावेंटिकुलर हैमरेज उसकी फॉन्टेनल जो बल्ज करें फ्री में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ अगर प्रिय क्लमशिक मदर है इंटर वेंटिकल हेमरेज मतलब वेंटिकल्स में ब्लीड हुआ है इट कैन भी अर्ली विद इन सेवनटी टू आवर्स इट कैन भी लेट विद इन आफ्टर सेवनटी टू आवर्स ऑफ लाइफ इसका बेसिक क्वेश्चन आता है कि आ, पता कैसे चलता है आप लोग प्रेजेंट कैसे इसको डायग्नोस कैसे करेंगे अर्ली टेस्ट के अलावा और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस जैसे रिस्क फैक्टर लो, लो बर्थ वेट और क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन के अलावा अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी इज द बेस्ट चॉइस फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटर्मिन इंट्रावेंटिकुलर हेमरेज है कि नहीं है इसमें आप क्या देखेंगे वाटर शेडिक जोन मतलब एक वाटर ब्लड का और एक एयर का सॉरी एयर फ्लूड का एक वो नज़र आ रहा है लाइन नज़र आ रही है टू तो डिफरेंटेड और ये इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज क्यों होता है मोस्ट लाइकली बिकॉज के कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलमस के दरमियान जो ब्लड वेसल्स हैं दे रप्चर बिकॉज ऑफ हाइपॉक्सिक स्कीमिक इंजरी इसको प्रिवेंट करेंगे अवॉइडेंस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी और फिर इसकी तरह इससे मैनेज करेंगे फिर अपनिया अपनिया भी एम सी कि उसके लिए ए मीन्स नथिंग और अपनिया मीन्स ब्रेथ तो अपनिया इज़ द सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर मोर दैन फिफ्टीन सेकंड अगर टर्म पे बच्चा है तो मोर दैन फिफ्टीन सेकेंड से ज़्यादा इसका मतलब इसे अपनी है और अगर प्री टर्म है तो मोर दैन ट्वेंटी सेकंड तो इसका मतलब अपनी है या फिर कोई भी बच्चा सपोज फाइव सेकेंड्स कितनी भी ड्यूरेशन के लिए छोटी से छोटी ड्यूरेशन के लिए भी सांस लेना रोक दे और उसके साथ उसे साइनसेस जब रेडी कर तो उसे अपनिया है अब इसका स्नैरियो पढ़ते हैं वन पॉइंट टू किलोग्राम ऑफ वेट न्यू बॉन सिक्स आवर्स ऑफ एज और दो घंटे से उसे एपनिक स्पेल्स पढ़े ही वॉज डिलीवर्ड एट होम इज नॉट टेकिंग और उसकी फॉन्टिनल बेल्जिंग है तो इट्स मोस्ट लाइकली द एपनिया इसका वो सेंट्रल है याब्सट्रक्टिव है मिक्सड है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग इज वट इस अपनिया और इसके एम से क्यों ज्यादा था कि मोर देन फिफ्टीन सेकंड टर्म एंड मोर दैन ट्वेंटी सेकंड इन प्रीटर्म फिर न्यूनिटल सेप्सिस दट इज वन ऑफ द इम्पॉटेंट क्वेश्चन सीनारियो न्यूटल सेप्सिस का एक सीनारियो जो जो हम uh, पढ़ते हैं कि एक बच्चा दो हफ्तों का है दैट इज इरीटेबल पोअर फीडिंग फीवर ग्रंटिंग फीवर है प्यवर है इसका मतलब कोई अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेन है सेप्सिस है फिजिकल एग्जामिनेशन वील बल्जिंग फाउटन लेट कैपिटल रिफिल एंड टेकिपनिया दैट कैपिटल रिफिल का मतलब यह है जो बॉडी में हुई है अच्छी खासी वेजोडालेशन वट इज uh, तो जिसकी वजह से रिफिल प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही वट इज न्यूनाटल सेप्स इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम सिस्टमिक इलनेस है मेटाबॉलिक एंड सर्कुलेटरी क्लेब्स ऑफ द फ्रॉम इन्फेक्शन इन द न्यू बॉर्न अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फर्स्ट फोर वीक्स ऑफ लाइफ में प्रजेंट कर जाएगी और इट विल गिव पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स अली ऑनसेट से जो सेप्सिस हैं वो विद इन थ्री डेज प्रेजेंट करता है और लेट ऑनसेट सेट में सबसेस प्रेजेंट आफ्टर फोर डेज इसने बेसिकली वन मंथ न्यू नेटल पीरियड में ही रहना है तो फोर डेज से लेकर ट्वेंटी एट डे का प्रसिस्ट करती है तो लेट और अगर फर्स्ट थ्री डेज में तो अर्ली ऑनसेट सेट सबसे प्री डिस्पोजिंग फैक्ट्रीज या तो होस्ट बच्चे में ऑब्वियसली अभी हार्मोनल रिस्पांस भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होगा डब्ल्यू डी भी इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो कि वॉल ऑफ कर सके इन्फेक्शन को मटरनल पुअर सोशो इकनॉमिक स्टेटस इंट्रापाटन मटरनलीवर कोर्नियमस हो गए थे ऑफ ब्रेन मटर्नल कलूनाइजेशन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होम डिलीवरी लो बट वेडिसफिक्सा वगैरह वगैरह अब इसके ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं मोस्ट कॉमनली ई कोलाई ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस स्टाफ एंड प्रोटियस दीज आर द ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ कुलनाइज करते हैं और कहाँ कहाँ इन्फेक्ट कर सकते हैं इधर दे कैन इन्फेक्ट या कंजेंटल मैम वो डिजीज के थ्रू वो अफेक्ट कर सकते हैं बच्चों को टॉक्सिस इन्फेक्शन या तो प्री नेटल इन्फेक्शन लाइक इक्वल है क्लेमिडिया लिस्टीरिया या फिर ड्यूरिंग द पैसेज पैरिनेटल इन्फेक्शन में गनोरिया क्लेमिडिया स्टाफ टक्टनेस ई है ग्रुप बी स्टप्टोकर इन्फेक्ट कर सकते हैं बच्चों के दे कैन कॉज न्यूनेटल सेप्सिस फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से इंफेक्शन हुई तो हाउ वुड द चाइल्ड प्रेजेंट फुल टर्म वन वीक ओल्ड चाइल्ड पुअर फीडिंग फीवर बल्जिंग फॉन्टेल मदर हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग रप्चर रपचर में ब्रेन रपच्चर की वजह से कोरियम द कॉमनस्ट कॉम्प्लिकेशन लो ग्रेड फीवर के साथ मदर ने डिलीवर किया ग्राम पॉजिटिव कोकाएँ मिल रहे हैं अब उसके स्पाइनल फ्लूड में और स्पाइनल फ्लू आल्सो इस टर्बिट फिफ्टी फाइव हंड्रेडिस हैं और लो ग्लूकोज लो ग्लूकोज का मतलब बैक्टीरिया ही है कोई और ग्राम पॉजिटिव कोकाया है तो ग्रुप चप्टो कोका की तरफ घिन जाता है क्लिनिकल फाइंडिंग वही कि जिस तरह बच्चा प्रेजेंट कर रहा है सीजर्स कॉमापेरेटी ग्रेंटिंग ऑफ कलर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पोअर परफ्यूजन कोल्ड कामी स्कैन एंडबिलिटी फैटोस प्रीनो में गली इन्वेस्टिटीगेशन एक तो जर्नल एन ए के डब्ल्यू बी सी देखेंगे एलिटेड हुएंगे सब्सिस में एलिवेट ही हुए होते हैं अगर खुदाना खास तक कम हुए पड़े हों हु। न्यूट्रोपीनिया हो तो इट इज अ पोअर प्रोग्नोसिस एंड इट इज़ अर विद सब्सिस इसका प्रोग्नोसिस बहुत पूरा होता है प्लेटलेट्स भी कम होंगे इफेक्शन है सबसे ज्यादा ई एस आर सी एक्टिव प्रोटीन ज़्यादा होगी स्पेसिफिक कल्चर्स में ब्लड कल्लर्सपाइनल फ्रूट कल्चर यूरिन कल्चर और टैक्टेरियल एस्पेरेट का कल्चर करवाना है यू बैक्टीरियल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म ने इफेक्ट किया तो विल गिव एंटीबायोटिक अर्ली ऑनसेट में एम्पिसीन एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड जिसमें जेंडा माइसिन इफेक्टिव दस दिन तक के लिए देते हैं अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ग्रुप बी की स्पेसिफिकली हो ग्रुप बी स्प्टेप्टोकल इन्फेक्शन स्पेसिफिकली हो या एंड कंप्लीके सो वी कंटिन्यू एंड एक्सटेंड द ट्रीटमेंट अप टू लाइक फोर्टीन डेज इट कैन कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड अप टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी एट डेज और अगर लेट ऑनसेट हो तो फिर हम वेंकोमाइसिन स्टाफ को ट्रीट करते हैं स्टाफ को ट्रीट करने के लिए वेंकोमाइसिन और अमानोग्लाइकोसाइड्स जैसे एमिकासन वो कंसिडर करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट है बाकी इनपुट आउटपुट को अच्छी तरीके से मैनेज करें प्रॉपर नर्सिंग फीड प्रॉपर रखें इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करें और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करें और जो भी अगर मसला आ रहा है सीजर्स आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिनो फिनोबारबिटॉन अगर सीरियस फेलियर में जा रहा हार्ट फेलियर में जा रहा है डॉपमिन इन्फेक्श कंट्रोल नहीं हो रही रिफ्रैक्ट्री सेप्टिक शॉक डिस्ट्रीब्यूटिक शॉक में जा रहा है बिकॉज सप्सिस इजन कंट्रोलेबल तो हाइड्रोकॉडिस इन्फेक्शन वट कैम द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबसेस एंडोकॉडाटस सेप्टिक एम्बोला, है फॉर्मेशन सेप्टिक जॉइंट्स विद रेजिडुअल डिसेबिलिटी, ऑस्टिमालाइटिस एंड बोन डिस्ट्रक्शन रिकरेंट बैक्टीरिया कैंडिडीमिया सारे एंड डी आई सी ऑर्गन फेलियर डेथ करा दें टॉर्चिस इन्फेक्शन टॉर्चिस इन्फेक्शन क्या है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसफर करें बच्चे को और टॉर्च इन्फेक्शन में कौन कौन सी आती है टॉक्सोपलाज्मा गोंडाई सिफिलस हेपेटाइटिस बी साइटोमेगलो वायरस सॉरी सिफल्स नहीं सिफिल्स के अलावा भी हेपिसम्पलेक्स वायरस और हेपेटाइटिस बी भी, भी ट्रांसफ़र कर लेती है और किन यूनिट्स में क्या फैक्टर्स हैं कौन से फीचर्स हैं जो प्रेजेंट करेंगे बच्चे में कि टॉर्चर इनफेक्शन हुआ पड़ा है लो बट वेट जॉन्डस रैश हेपाटोसप्लिन में थ्राम्बोसाइड ओपिनिय मोस्टली इन रुबेला कन्जेंडल रुबेलाम पी डी ए कोरियरटेनाइटिस प्लाजमोसिस में आती है माइक्रोसिफली आलिसन टॉक्सोप्लाजमोसिस कंजेंटल हार्ट डिजीजी पी डी जैसे मैंने बताया व रूबेला में प्रेजेंट करता है बिग हार्ट मरमर मशीन लाइक मरमर पी डी प्रेजेंट करेगा रुबेला में नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जॉन्डस न्यूनिटोरियम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब हमें पता है कि न्यूनिटल हाइपर बिलोबनीमिया जॉन्डस न्यूनिटोरियम क्या है कि बच्चे के अंदर न्यूनट के अंदर हाइपर बिलोबनीमिया हो जाता है बिलोबिन ज़्यादा हो जाती है या वो कंजुकेट बिलोडबिन ज़्यादा होगी या वो अनकंजुकेटेड ज़्यादा होगी नॉर्मली जो है अनकंजुकेट बिलोबिन ज़्यादा होती है फिजोलॉजिकल जॉन्डस में या जो भी हम आगे पढ़ेंगे नॉर्मली हमारे पास अनकंजुकेट बिलोबिन ज़्यादा होती है और वो ठीक भी हो जाती है फोटोथेरेपी से लेकिन जो अन डायरेक्ट कंजुगेटेड बिलोबिन अगर ज़्यादा हो तो वो पैथोलॉजिकल होता है और वो फिर उसके लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम देते हैं न्यूरोलॉजिकल कंसनट्रेशन अगर अनकंजुगेटेड बिलोबिन ब्रेन में चली जाए क्रॉस द ब्लड ब्लडबिन बैरियर और ब्रेन में चली जाए तो ये क्रीनेक्ट्रस कॉज कर देता है फिर इसने बिलोबिन का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म समझाया कि वन ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसेस थर्टी फोर मिलीग्राम ऑफ बिलोबिन एंड नॉर्मल न्यू बॉर्न के पास बिलोबिन कितनी होती है एटीन मिलीग्राम नॉर्मल न्यू बॉर्न के पास हीमोग्लोबिन कितनी होती है जो इन्फेंट न्यू बॉर्न इन्फेंट है एटी एटी सिक्सटीन टू एटीन इज़ लाइक नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स टूटता है उसमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में से अलग हो जाता है ग्लोबिन अलग डिस्ट्रॉय होती है मतलब मटाबोलाइज होती है हीम में से बिलू वर्डिन बिलू वर्डिन बिल रोबिन बिलूरोटेड में होता है थ्रू द ग्लुकोन आयल ट्रांसफरेज और फिर वो आगे थ्रू फेसिज एंड यूरिन अनकंजुगेटेड हैबल बिलोबिन में क्या होता है कि बिलुबिन कंजुगेट नहीं हो रहा इधर इट कैन भी फिजोलॉजिकल फिजोलॉजिकल होगा तो थर्ड डे पे प्रेजेंट करेगा हीमोटोलॉजिकलोटो हमोलिटिक में आरस इनकम्पेटिबिलिटी ये भी इकम्पेटिबिलिटी ज्यादा रहती है पोलिस इन्फेंट बॉन्टूआ डायबेटिक मदर ब्लड एक्सट्राइजेशन फैलमोटोम ब्रोजेस या फिर क्लक्रोनाइल ट्रांसफरेंस के डिफेक्ट्स हैं स्लिगलिन जार सिंड्रोम गिलबर्ट सिंड्रोम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इस तरह के फजिल फिजोलॉजिकल जन्ंडस जैसे उन्होंने बताया जैसे ये सिनेरियो भी लिखता है कि थर्ड डे टर्म का इन्फेंट है हेल्दी था अच्छा खासा बिल्कुल सही था लेकिन अब इसे एकदम चांडस हुआ है और अब आप, आपने देखा कि हीमोग्लोबिन भी ठीक है कंजुगेटेड जो डायरेक्ट कंजुगेटेड है मतलब कंजुगेटेड डायरेक्ट ग्लोबिन है वो भी नॉर्मल है बट अनकंजुगेटेड ग्लोबिन 8.5 पॉइंट फाइव इस बहुत ज़्यादा बढ़ी है दैट बिकॉज ऑफ फिजोलॉजिकल चॉन्डस बच्चों में लिवर जो है उसके इन्ज़ाइम्स अभी इतने एक्टिव नहीं होते बने नहीं होते कि वो कंजुगेट करें फिर हेमोलोटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉन है अच्छा दिस क्वेश्चन हेमोलोटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न में जो आर एस कम्पेटिबिलिटी है इसमें हमने पढ़ाया कि कम्स टेस्ट डायरेक्ट कुम्स टेस्ट भी पॉजिटिव होता है मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का वो पॉजिटिव है सेकेंड डे ऑफ लाइफ मोस्टली प्रेजेंटता है तो ये वाला सीनारियो के ट्वेंटी ट्वेंटी एनअल पेपर में भी आया था और सेम सेम टू तो सेम लिखा हुआ था वट इज द डायग्नोसिस हाउ इन्वेस्टिगेट हाउ वील यू मैनेज तो हाउड यू इन्वेस्टिगेट क्लाहर्स टेस्ट डायरेक्ट कुम्स टेस्ट वो तो आप ऑप्स का भी लिख सकते हो कि मिडिल सेबल आर्टरी का डॉप्टर करवा लें या अल्ट्रासाउंड फिटल अल्ट्रासाउंड जो है वो करा के देख लें एंड हाउ यू मैनेज उसकी मैनेजमेंट भी सेम ऑप्स वाली लिख दीजिएगा कि यहाँ तो एन डी डी आई जी एम वो डलेगी ए एन टी डी एन टी आर एच एनटीबॉडी वो जाती है एट एटी एट वीक एंड थर्टी फोर्थ वीक नहीं तो अगर बच्चे की एज जो है होगा स्टेशनरी मोर देन थर्टी फोर वीक्स है तो उसे फ़ौर डिलीवर भी कर सकते हैं और अगर बच्चे की एज जो है थर्टी फोर वीक्स से कम है तो फिर इंट्रा वैसकुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देते हैं बच्चे को और ए इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं ए बी इनकम्पैटिबिलिटी में माँ जो है नेगेटिव होती है मोस्टली और बच्चा जो है इन्फेंट इज़ ए ए ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप, ग्रुप उसका ए है या बी है ए की ज़्यादातर ट्रांसफ़र करते हैं आई जी एम ट्रांसप्लासेंटली बी की इतनी नहीं करती क्योंकि आई जी एम के साइज़ इतना छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू आई जी एम ऑफ टाइप ग्रुप बी तो आई जी एम ग्रुप ए की वो ट्रांसफ़र कर लेती है प्रा, ट्रांसपलासेंटली थर्ड डे ऑफ द बर्थ पे बच्चा प्रेजेंट करता है जॉन्डस में माँ का भी ओ माँ का ए पॉजिटिव है माँ का सॉरी ओ पॉजिटिव है बच्चे का ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही हैं आर एस इनकमपैटिबिलिटी नहीं है और लेकिन ओ ए बनकम्पेटिबिलिटी यहाँ पर आ गई है इसलिए ब्लड डायरेक्ट घूमस्टर्स ही पॉजिटिव है यहाँ पर और अच्छा ओ के ब्लड ग्रुप के जैसे माँ का ओ है ना देर मोर लाइकली टू हैव आई जी एंटीबॉडीज़ और आई जी जी एंटीबॉडीज़ क्रॉस द प्लस और बच्चे में भी मसला कर सकती है ओ की भी एंटीबॉडी इन्वेस्टिगेशन फोर बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो अनकन्जुकेटेड बिलोबिन में आप करवाएंगे अनकंजुकेटेड हाइपर बिलरोबिनिमिया में सीरम बिलोबिन कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड ग्रुप्स ऑफ मदर एंड बेबी एंड डरेट कोम्स टेस्ट विच विल बी मोस्टली पॉजिटिव इन इम्यूनाइजेशन डिसऑर्डर्स सेकेंडरी टेस्ट ब्लड कल्चर यूनियन कल्चर फिर लिवर की अबडामल अल्ट्रासोनोग्राफी हडो स्कैन लिवर बायोप्सी के इन्जाइम्स तो सही काम करें हाउ वुड यू मैनेज मैनेजमेंट का जो मेन जो बेसिक काम है ना वो यही है हमने न्यूरो टॉक्सिसिटी नहीं होने देनी न्यूरो टॉक्सिटी रिलेटेड टू तो इंडायरेक्ट रिएक्टिंग बिलोबिन वो होने नहीं देनी तो उसके लिए हम लोग फोटोथेरापी से काम पहले स्टार्ट करते हैं अगर तो फाइव मिलीग्राम से कम है अनकजुकेट बिलोबिन तो फोटोथेरेपी इज़ लाइक बेस्ट चॉइस और हीमोलिटिक डिजीज़ के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे जस्ट अनकन्जुकेटेड बिल हो फाइव से कम हो फाइव मिलीग्राम पर फेडेसिलिटी से कम हो तो फिजिथेरा फोटोथेरेपी सॉरी वो हम स्टार्ट कर देंगे हम ब्लू लाइट देंगे ऑफ द दे दे रेंज फोर ट्वेंटी टू फोर सेवेंटी अब वो क्या करती है कि जो टॉक्सिक मटीरियल है टॉक्सिक सारा मेटीरियल को नॉन पोलर से पोलराइज कर देती है गेट दे ऑल द मटीरियल गेट वाटर सोलबल और वो एक्सक्रीट हो जाता है आराम से दो तरह की फोटोथेरेपीज हैं कन्वेंशनल और एक फाइब्रो ऑप्टिक और फोटोथेरेपी कब हमने स्टॉप करनी है जब बिलरोबिन लेवल, लेवल सपोज फाइव से कम था फोर था जब थ्री से कम हो जाए और आप चौबीस घंटे के लिए सर्वे करें और आपको देखें कि सीरम बिलोबिन लेवल मॉनिटरिंग शुड भी कंटिन्यू फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स और बिल्कुल ठीक जा रही है तो फिर आप उसको रोक सकते हैं ना फिर रिस्क फैक्टर्स ऑफ द इन्फेंट हैव है और इन्फेंट का जो अपने इन्जाइम्स है वो बिल्कुल नॉर्मल काम करने लग गए हैं तो फोटोथेरेपी शुड बी स्टॉप इसकी भी कॉम्प्लिकेशन है फोटोथेरेपी की लाइक कंजक्टिवाइटिस ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम लूज टूल्स स्किन रैशेज हाइपोथर्मिया ओवर हीटिंग डिहाइड्रेशन ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम ये क्या है वन इन्फेंट विद कंजेट हाइपरबिनिमिया दे गव फोटो दे आर गिवन फोटोथेरापी दे डेवेलप डार्क ब्राउन डिस्कलेशन ऑफ स्किन विचेज फॉर मैनी ईयर तो बस डार्क ब्राउन जो पिगमेंटेशन है उसको ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम देते हैं एक्सच्रेंज ट्रांसफ्यूजन जिन बच्चों को जिन बच्चों में डेड कुमटस्ट पॉजिटिव हैमोलोटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न है याच ए आर एच इनकम्पेटेबिलिटी ए बनकम्पेटिबिलिटी है तो उन सब बच्चों को क्या देते हैं हम लोग एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देते हैं और अगर किसी बच्चे में बिल जो है फ़ाइव से बहुत ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन ट्वेल्व से कम है हमोक्रोबिन नाम सिक्सटीन टू एटीन है ना तो ट्वेल्थ से कम है और बिल्लोबिन बहुत ज़्यादा कोम स्टेस पॉजिटिव है रिटिक काउंट बहुत ज्यादा तो उस बच्चे को हम क्या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का वैसे करते हैं साइड्स के यही आर एच में जैसे मैंने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का बताया है इंट्रावैस्कुलर कि हम ब्लाइकल वेन में या ब्लाइकल आर्ट्री में लार्ज पेरिक्रल वेन में इवन बच्चों के फीटल हार्ट में पेरिटोनियल कैविटी में भी दे सकते हैं इंट्रा यूट्रो आर एच इनकम्पेटेबिलिटी अगर इंट्रा यूट्रो ट्रीट करनी है तो तब भी इंट्रावेस्कुलर आप वो दे सकते हैं चेंज ट्रांसफ्यूजन लेकिन ये पैदा हो चुका है बच्चा और उससे मसला आ रहा है तो अब भी हम लोग इम्ब्लाइकल वेन इम्ब्लाइकल आर्टरी में ब्लड देंगे ब्लड कौन सा देंगे ब्लड भी स्पेसिफिक है फ्रेश ब्लड हमें यूज़ करना है लेस देन फाइव डेज दे ओल्ड और वो डेंसली पैक्ड हीमोग्लोबिन के साथ हो मोर देन थर्टी ग्राम पर लीटर हीमोग्लोबिन हो उसमें अच्छे उस से स्किन क्लीन करना है सारे एच बी सी एच सी वी एच आई वी सैटोकलो वायरस मलेरियाल पैरासाइट सी पैरासाइट्स के लिए और वो टाइप ओ और आर एच नेगेटिव होना चाहिए बच्चे का ब्लड ग्रुप जो भी है लेकिन वो आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होना चाहिए इट शुड बी टाइप ओ आर एच नेगेटिव क्रॉस मैस्ट अगेन मदर और फिर बच्चे को ट्रांसफर करना चाहिए बच्चे को किस तरह ट्रांसफ़र करना उसकी भी टेक्निक है पहले तो ये कि बच्चे की प्रेपरेशन की जाए प्रॉपर्ली ड्रेप के द केड द इन्फेंट ने गैस्ट ट्यूब एस्परेशन करें मेनटेन टेम्परेचर और तो रिसेप्टिक मयर्स के साथ उसमें कैथेटर डालें ये थ्री वे स्टॉप कॉक है अब ये कैथेटर इम्बलाइकल कैथेटर बच्चे की एम्बलाइकल वेन एम्लाइकल आर्टी एवर वहाँ पर पहले हम टेन टू ट्वेंटी मिली लीटर बच्चे से ब्लड विदड्रॉ करेंगे वाटर विदड्रॉ करने के बाद इट इज़ डिस्कार्डेड विद द हेल्प ऑफ थ्री वे स्टॉप कॉक uh, फिर यहाँ से फ्रेश टेन टू ट्वेंटी मिली लीटर इज़ विदड्रॉन फ्राम द ब्लड बैग एंड ब्लड बैग एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस द बेबी पहले ब्लड बच्चे से निकाला जितना निकाला उतना ही वापस डाल दिया ठीक और ड्यूरिंग द ट्रांसफर देयर इज़ नो नीड फॉर आई वी कैल्शियम ग्लूकोनेट ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग भी आफ्टर भी ये नहीं कैल्शियम कम हो सकता है लेकिन हाँ हो सकता है कम हाइपोकल्सीमिया कैन भी अज क्योंकि स्टोर्ड ब्लड है लेस दैन फाइव डेज भी है स्टोर्ड ब्लड में भी हाइपोकल्सीमिया हो सकता है हाइपरफोसफोटीमिया ph हो सकता है हाइपर क्लीमिया हो सकता है हाइपोथर्मिया हाइपर वोलीमिया रियक्शन ड्यू टू ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबिलिटी कार्डिक रेस्ट या कार्डिक रितमिया वामिटिंग एक्सपरेशन ऑल दैट कैन भी कॉम्प्लीकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप एक्सचेंस ट्रांसफ्यूएंस और फिर आ जाते हैं हमारे पास फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फार्माकोलॉजिकल जनरल मैर एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एक हमने बताया फोटोथेरेपी दूसरा हमने बताया कि एक्सचेंज श्रांसफी तीसरा है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जिसमें एंटीबाटिक्स दे सकते हैं और मेटालो मटालो पोफारे मेट्रावीनस इम्यूनोगोग्लोबिन्स वो दे सकते हैं फिर क्रीनिकट्रस है जो इसके साथ ही रिलेटेड है इसलिए मैं इसे साथ ही कवर कर लेती हूँ क्रीनिकट्रस में ये है कि जो अनकन्जुकेट बिलोबिन है वो बहुत ज़्यादा है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिलीग्राम पर एसीटर और वो बच्चे के ब्रेन की जो वो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको तो क्रॉस कर गया है ब्लड बच्चे में ब्लड ब्रेन बैरियर अभी बना भी नहीं होता इतना अच्छे से तो वो क्रॉस कर गया एंड दट इज कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल डिफिसट्स लाइक न्यूरोज रिस्पॉस इज पुअर डीप जॉन्डस कर रहा है अपिस्तोटॉनिक पॉस्चर द बेबी इसलिए थार्डिंग दट इज पुअर फीडिंग इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि बिलरोपिन ऊपर जाके न्यूरॉन्स के ऑक्सीडेटिव फॉस्पिटलेशन को नबिट कर देती है तो ये क्रीनिक्रिस है और साथ ब्लड मिल्क ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डस है और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डस है अच्छा ये बहुत मजे है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डस ये है कि कुछ मदर्स में उनकी ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा एक इंजाइम होता है जो कि बिलोबिन को कंजुगेट होना नहीं देता लाइक अनकंजुगेशन करा देता है ग्लूक्रोनिडेज के इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करता है तो बेहाइर ब्लोबिन यमेट पीक द दवन डे ऑफ द एज टेन टू थर्टी मिलीग्राम तक चली जाती है या सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ एज तक पीक करती है और उसके बाद खुद ही जो है डिक्लाइन करने लग जाती है ब्लोबिन की कंसनट्रेशन और मोस्टली ऐसा देखा गया कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू किया जाए तो विदिन फोर्टी एट आवर्स ब्लूबिन की कंसनट्रेशन ड्रॉप करने लग जाती तो है तो दैट इज ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डस इसके ऑपोजिट है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डस ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डस इज अ रीजनमल इसे बेसिकली कहना चाहिए था नो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डस क्योंकि इस एस के इसमें बच्चे को माँ दूध नहीं पिला रही दूध ना पिलाने की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है दैट इज लीडिंग टू हाइपर बिलूबी मोर देन ट्वेल्व मिलीग्राम मोर देन ट्वेल्व जा रहा है ट्वेंटी फाइव टू थर्ट जैसे क्रीट्रिस में गया था या इतना ज़्यादा थर्टी तक नहीं जा रहा है एज इन ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डस तो फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ में डि डिहाइड्रेशन इट विद प्रथ अनकन्जुकेट हाइपर बिलोबिन और इसकी ट्रीटमेंट क्या है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है अगर तो बच्चा तीसरे दिन दूसरे दिन चौथे दिन प्रेजेंट करता है एक जॉन्डस से तो वो फिजियोलॉजिकल है मतलब फिजोलॉजिकल इन सेंस मोस्टली फिजियोलॉजिकल है या ए बी इनकम्पेटिबिलिटी के साथ है लेकिन अगर बच्चा फर्स्ट डे ऑफ लाइफ के साथ प्रेजेंट करता है में जॉन्डस के साथ प्रेजेंट करता है दैट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन पेल्स टूल्स हाइपेटोमेगली कंजुगेटेड बिलरोबिन इज एलिवेटेड तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हिपैटों में गली स्प्लिनों में गली और उसमें भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक्ट करेगी व्हाट आर द काजेज़ या तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है बिलरोबिन की एज एन एज ए बी ओ इकम्पेटेबिलिटी या रेड सेल इनजाइम डिफिसट्स या आर एच इनकमपेटेबिलिटी या फिर डिक्रीज रेट ऑफ कंजुगेशन लाइक सिगलर निजॉर और गिलबर्ट सन्ड्रोम हाइपोथाराडिज़म अगेन इसकी भी वही ट्रीटमेंट होगी और नेक्स्ट हम नेक्स्ट में कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जजाकला खैर